भगवान राम पर बहुत कुछ लिखा गया, माँ सीता पर भी बहुत कुछ लिखा गया। मैंने लव कुश पर लिखा है, लव कुश की पीड़ा को लिखने की कोशिश की है। आपकी महफिल को देता हूँ, सबका आशीर्वाद मिले। सुनो क्या कहते हैं लव कुश दो बालक, कि हम हैं बेटे अवधपुरी के, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं। हम हैं बेटे अवधपुरी के, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं। कई पीर हैं इस जीवन की, भरे कंठ से कैसे गाएं। हम हैं बेटे अवधपुरी के, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं। पहला अंतरा इस गीत का, दो बालकों का एक तरफ सौभाग्य देखिए और एक तरफ दुर्भाग्य देखिए। पीयूष भाई, आपके साथ बहुत सारी यात्राएं की है, आपका आशीर्वाद विशेष चाहता हूं, उम्मीद है आपसे, इसलिए कह रहा हूं। एक तरफ सौभाग्य देखिए दो बालकों का, एक तरफ दुर्भाग्य देखिए। क्या कहते हैं कि मात हमारी जनक नंदनी, रघुनंदन है पिता हमारे। हमको राजकुंवर होना था, भटक रहे हैं मारे मारे। जहां हुई माता निर्वासित, अयोध्या का वो महल, जहां हुई माता निर्वासित, हम उस द्वारे कैसे जाएं। हम हैं बेटे अवधपुरी के, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं। कई पीर इस जीवन की है, भरे कंठ से कैसे गाएं। हम हैं बेटे अवधपुरी के, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं। क्या क्या बीता उन दो बालकों के आने के पहले, क्या कहते हैं लव कुश के जन्म हमारा हुआ नहीं था, टूट पड़ी सारी विपदाएं। जिस दिन माँ को वन भेजा था, घायल थी सब परंपराएं। राघव सिंहासन पर बैठे, पुरुषोत्तम बैठे सिंहासन, लेकर खंडित मर्यादाएं। हम हैं बेटे अवधपुरी के, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं। कई पीर इस जीवन की है, भरे कंठ से कैसे गाएं। हम हैं बेटे अवधपुरी के, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं। दादा, जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया लव कुश के द्वारा, तो दुनिया के लिए शायद वो सर्वमान्य रहा होगा, लेकिन सोचनीय विषय है कि क्या उन रघुकुल के दो बालकों के लिए वो मान्य था। जब उन्हें मालूम पड़ा कि वो मेरे पिताजी थे जिन्हें मैं युद्ध क्षेत्र में ललकार रहा था, तो उन पर क्या बीती और उन्होंने क्या कहा, मैं कल्पना कर रहा हूं। दादा सुने क्या कहते हैं लव कुश के, परंपरागत रीतों वाला उस दिन वो रघुकुल हारा था। जब अनजाने तात को हमने युद्ध भूमि में ललकारा था। कैसे थे विधि ना के लेखे, कैसे थे विधि ना के लेखे, कैसी थी वो विडंबनाएं। हम हैं बेटे अवधपुरी के, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं। कई पीर इस जीवन की है, भरे कंठ से कैसे गाएं। हम हैं बेटे अवधपुरी के, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।